लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव के लिए जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। इसी बीच बीजेपी की वरिष्ठ नेता का बयान सामने आया है। बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा कि अगर मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगी तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जिम्मेदारी और गंगा नदी के लिए काम एक साथ नहीं किया जा सकता। मुझे 2 साल की पूरी आजादी चाहिए गंगा से जुड़े कामों को पूरा करने के लिए। गंगा को लेकर जाति, समुदाय या राजनीतिक दलों को लेकर कोई विवाद नहीं है। पूरी योजना तैयार है, सभी अनुमतियां मिल चुकी हैं, सिर्फ गति धीमी हुई है। पीएम मोदी भी गंगा के प्रति समर्पित हैं। जरूरत पड़ी तो प्रचार में हिस्सा लूंगी लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगी। हम चाहते हैं कि बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीते। पहले मैंने घोषणा की थी कि मैं चुनाव में खड़ी होंगी लेकिन अब मेरे लिए गंगा नदी से बढ़कर कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं अभी चुनाव अगर लड़ी तो संसदीय क्षेत्र की जिम्मेवारी का निर्वहन और उसके साथ गंगा का कार्य का मेल नहीं हो पाएगा। तो मुझे 2 साल के लिए पूरी स्वतंत्रता चाहिए। मैं अपने आप को झोंक दूंगी बिल्कुल गंगा के कार्य को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि गंगा में कोई विवाद नहीं है, ना जाति का, ना संप्रदाय का, ना राजनीतिक दलों का। पूरी विश्व बिरादरी एक है और योजना भी पूरी बन चुकी है, मंजूरियां हो चुकी हैं, खाली गति कम हो गई है और उसके कई कारण बने हैं। प्रधानमंत्री जी की भी बहुत गंगा के कार्य में आस्था रही और रुचि रही, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये बात बीएल संतोष जी को कह देना ताकि जल्दी संगठन को खबर लग जावे। तो ये 22 जनवरी की इस बात के बाद मैं 2 मालाएँ लेके गंगा किनारे उन्नाव में आई और मैंने गंगा जी को मालाएँ अर्पित की और मैंने उनको कहा कि आपका कार्य मैं 2 साल में संपूर्ण करा के रहूंगी, क्योंकि आपका कार्य संपूर्णता की ओर था ही। उसके बाद में 24 फरवरी को संगठन मंत्री जी को मिली उन महापुरुष के निर्देश के अनुसार। मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले सकती हूं क्योंकि वो बीजेपी के नहीं है लेकिन हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो। तो मैंने संतोष जी को भी कहा, 1 घंटे हमारी बात चली। मैंने कहा आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं चुनाव प्रचार करूंगी। मोदी जी 400 से ज़्यादा सीटें लेकर के आवे, अकेले बीजेपी 400 से ज़्यादा सीटें लेके आवे, एनडीए तो 400 से प्लस होनी चाहिए, ये मेरे मन का भाव है। इसमें आपको जहाँ मेरा सहयोग लगे मैं करूँगी, लेकिन मैं 24 का लोकसभा का चुनाव लड़ने की मैं घोषणा कर चुकी थी लेकिन गंगा के लिए कुछ महत्व नहीं रखता आप मेरे सामने, सिर्फ गंगा महत्व रखती हैं।